घर को और किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हर बार मार्केट से महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्हीं महंगे ऑर्गेनाइज़रों को हम घर पे DIY करके बना सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी बिल्कुल जीरो पैसों में। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और अगर आप इन्हें मार्केट में खरीदने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ किचन के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा और बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र जो आपके किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और गाइस, अगर आप इसे अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी साइट पे चेक करोगे तो ये काफ़ी महंगा आता है। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं इस चूड़ी के डिब्बे से जो मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे मैंने इसमें किया है बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कीजिए, आपके पास ये महंगा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल 0 रुपये में बन के रेडी हो जाएगा। तो ये जो डिब्बा है वो थोड़ा सा यहाँ से टूटा हुआ था, तो मैंने उसे पहले सेलो टेप से अच्छे से फिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं फेविकोल की हेल्प से जो वाइट शीट होती है, वाइट जो पेपर होते हैं, वो मैं इस पे कवर कर दूंगी। उसके बाद आपका एक प्यारा सा और एक्सपेंसिव सा ऑर्गेनाइजर बिल्कुल बनके रेडी है, वो भी 0 रुपये में। तो गाइज, इस तरह की चीजों को आप फेंका नहीं कीजिए, कभी ना कभी ये चीजें आपके जरूर काम आती है। होपफुली ये ऑर्गेनाइजर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो बस मैंने यहाँ पे फेविकोल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आपके पास फेविकोल नहीं है तो ग्लू गन से भी आप इसे बना सकते हैं, ग्लू गन से या फेविकोल से आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और 10 टू 15 मिनट्स में ये ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं है। जो व्हाइट शीट होती है उसको अच्छे से आप इस पे कवर कर दीजिए, उसके बाद आपका ये ऑर्गेनाइजर बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो गाइज, मैंने इस बॉक्स के दोनों पार्ट को यूज़ किया है क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ 2-टायर रैक वाला ऑर्गेनाइज़र जो मेरे किचन में कुछ भी चीज़ रखने के लिए बिल्कुल काम आने वाला है। और मैं उसे किस तरह से यूज़ करती हूँ वो मैं आगे के क्लिप में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे वाइट शीट से कवर कर दिए हैं अच्छे से, और देखिए लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल एफर्ट्स लेस, कुछ भी एफर्ट्स नहीं है। अगर आपने कभी DIY भी नहीं किया है तो भी आप इसे बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों डिब्बे मैंने यहाँ पे कर दिए हैं वाइट शीट से कवर, और उसके बाद मुझे जो पीछे वाला बॉक्स है उसका हाइट मुझे कुछ और चाहिए था मेरे कैबिनेट्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया है। मेरे पास ये रखा था रोल जो कि मेरा किचन टॉवल का रोल है, तो वो ख़त्म होने के बाद ये रोल भी मैं कभी नहीं फेंकती, कभी ना कभी ये काम आ ही जाते हैं, तो इसको भी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। मैंने इसको बराबर पार्ट में कट कर लिया है, और इसके बाद जितनी हाइट मुझे वो सेकेंड वाले बॉक्स की चाहिए वो हाइट मैंने ले ली है, और उसके बाद ये दोनों जो रोल है उनको मैंने इसमें फिक्स कर दिया है ताकि मुझे जो पीछे वाला पार्ट है बॉक्स का उसका हाइट अच्छे से मुझे मिल जाए। तो इसको भी मैं फिक्स कर दूंगी फेविकोल की हेल्प से। देन उसके बाद गाइस, जो रिजल्ट आप देखने वाले हो ना, आप भी अमेज हो जाओगे कि वाओ, ये इतना प्यारा ऑर्गेनाइजर इतनी सी चीजों से और इतने कम टाइम में कैसे बन गया। तो यस, दिस इज द फाइनल आउटपुट, और ये बन गया है 2-टायर रैक, और इसको मैं यूज करने वाली हूँ अपने स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसका बेनिफिट ये होता है कि गाइस, जब आप ऊपर बड़े डिब्बे और नीचे छोटे डिब्बे, देन उसके बाद छोटे डिब्बे रखते हो, तो आपको सारे बॉक्सेस यहाँ पे दिखेंगे, जिस कंटेनर में आपने जो चीजें रखी है वो बिल्कुल विजिबल होगी। और लिटरली गाइस, आप इस वीडियो को देखने के बाद अमेजोन पे इस ऑर्गेनाइजर को चेक करोगे तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो आप भी इन सारे ऑर्गेनाइजर्स को घर पे बना सकते हैं, और आपको ये कैसा लगा ऑर्गेनाइजर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो गाइज, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर मैं बनाने वाली हूँ इस ग्लास जार से, जिसका स्टिकर मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है अच्छे से क्लीन करके, और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बनाने वाले बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर
जो आपको एवरीडे की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैंने नाइफ को कर लिया है अच्छे से गरम, और उसके बाद जो इस ग्लास जार का लिड है उसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे सेंटर में से। और इसका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ गाइस, आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि वाओ इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़र है और इतना यूज़फुल है। आप इसे यूज़ करोगे तो आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, मुझे तो ये काफ़ी यूज़फुल लगता है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये सिलिकॉन वाला ब्रश जो मुझे पराठे बनाने के लिए यूज़ होता है। और गाइस पता है क्या होता है, जब भी हम पराठे बनाते तो हमेशा हमें ऑयल अलग बाउल में निकालना पड़ता है, उसके बाद उस ऑयल को बच जाता है तो वापस से हम उसे बड़े डिब्बे में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब लगता है। तो अब ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी है, मैंने बना लिया एक बहुत ही प्यारा सा यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र। मैं इसमें रख दूंगी अपना ऑयल, और ऑयल रखने के बाद जब मैं इससे पराठे बनाऊंगी तो जो भी ऑयल बचेगा वो इसी में रहेगा और पराठे बनाना भी मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र अभी आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आप इतने प्यारे से ऑर्गेनाइज़र घर पर ही बना सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट DIY ऑर्गेनाइजर मैं बनाने जा रही हूँ इस मेटल के बॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था। ये है चॉकलेट का बॉक्स और ये भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, तो इसको आज हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने अगेन यहाँ पे ले लिया है वाइट पेपर का शीट और उसको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड किया है ताकि मुझे इसके पार्टीशंस मिल जाए, क्योंकि मैं इसमें कुछ अच्छी चीज़ ही ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। देन उसके बाद जो डबल साइडेड टेप होता है उसकी हेल्प से इस पेपर का एक जो एंड है वो हम इस बॉक्स से कर देंगे फिक्स और एक एंड को हम एज इट इज ही रखेंगे। देन उसके बाद गाइज इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें क्या ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ वो आप आगे के क्लिप में जरूर देखिए। तो बस ये इसका एक एंड हमने डबल साइडेड टेप की हेल्प से फिक्स कर दिया है। उसके बाद जो गाइज आपके सुई धागे थ्रेड एनीथिंग जो भी आपका सिलाई से रिलेटेड होता है वो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी अच्छे से इसमें चीज़ें रखी जाती है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रखा है सारी चीज़ें। तो ये आइडिया भी आपको कैसा लगा ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं 3 बहुत ही DIY ऑर्गेनाइज़र। आपको कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।